वेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे विशेष चर्चा जारी रखने के लिए। उस विशेष चर्चा के बारे में बताऊँ उससे पहले निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में महा गणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद। तो मित्रों अब मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ, देखिए 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक बुध जो है लियो में सिंह राशि में रहेंगे और उनके साथ साथ 25 जुलाई से 6 अगस्त तक बुध शुक्र मंगल तीन ग्रह रहेंगे और 7 अगस्त से 18 अगस्त तक बुध मंगल दो ग्रह रहेंगे। 17 अगस्त को सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे जब 18 अगस्त को मंगल आगे चले जाएंगे और मंगल 18 अगस्त को शुक्र 6 अगस्त को वहाँ से सिंह राशि से। तो सिंह राशि ये अब मैं चर्चा कर रहा हूँ धनु राशि के लिए। 9th राशि धनु राशि की सिंह राशि नंबर 5 कहाँ है, नवे भाव में भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बैठ करके बुध भाग्य वर्धन कर रहे हैं, शुक्र मंगल ऑलरेडी साथ हैं वो तीनों ग्रह और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो भाग्य भाव पर भाग्य तो वर्धन हो रहा है। भाग्य वर्धन हो रहा है तो सब कुछ मिल रहा है। बुध जो है भाग्य और देखिए बुध की दोनों राशियां कितनी जबरदस्त बैठी हैं, छठी राशि कन्या राशि 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में और 30वीं राशि मिथुन राशि कहाँ है, 7वें भाव में पति पत्नी के भाव में, व्यापार के पार्टनर्स के भाव में। ये दोनों राशियां बहुत जबरदस्त और बुध खुद यहाँ बहुत जबरदस्त। तो मैं तो इनका बैठने से ही कह देता हूँ बिना आगे चर्चा किए कि धनु राशि के लिए ये जो गोचर है बुध का सिंह राशि में वो अति उत्तम है, वेरी गुड है। तो जो वेरी गुड राशियां बताई मैंने देखी अब तक उनमें ये भी शामिल हो गई, मिथुन राशि थी, सिंह राशि थी, तुला राशि है और अब ये आ गई धनु राशि। मिथुन सिंह तुला धनु चौथी राशि है ये जो कि बुध के गोचर से बहुत लाभ पा रही है। अब देखिए मैं इसकी चर्चा भी कर देता हूँ कि धनु राशि के लिए संक्षेप में बताऊँ कि राशि को कैरियर के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, क्यों कैरियर के क्षेत्र में बुध की अपनी राशि बैठी है और बुध की स्थिति भाग्य भाव है। भाग्य बढ़ेगा तो बुध यहाँ देखिए कर्म क्षेत्र में तरक्की देंगे, नौकरी में उत्थान प्रमोशन वेतन वृद्धि ट्रांसफर तो वेतन वृद्धि, सरकारी नौकरी में तो तरक्की, व्यापार है तो तरक्की, बिजनेस जो कुछ भी है बुध खुद यहाँ बैठे हैं भाग्य भाग्य वश जो है कर्म स्थान में तरक्की होगी भाग्य के कारण न कि कर्म के कारण। आपका भाग्य खुद कह रहा है भैया तरक्की लो, यहाँ चार चार ग्रह भाग्य भाव में है तो सब शुक्र कह रहे हैं पैसा लो, मंगल कह रहे हैं पैसा लो, शनि कह रहे हैं पैसा लो और बुध कह रहे हैं पैसा लो। बुध की राशि है और बुध की राशि यहाँ भी है, यहाँ क्या मतलब पति पत्नी के भाव में तो पति पत्नी यानी जीवन साथी का अच्छा संबंध, पार्टनर से अच्छा सहयोग, पार्टनर का बिजनेस में अच्छा सहयोग, बिजनेस तरक्की पर कोई भी बिजनेस करोगे लाभ मिलेगा, आसमान को छुएगा बिजनेस, भाग्य आसमान को जाएगा तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता भाई। तो मैं ये देख रहा हूँ कि बुध का ये गोचर सबसे अच्छा धनु राशि के लिए है क्यों भाग्य भाव में हो रहा है बैठ कर। अब तक जो मैंने देखा मिथुन राशि में अच्छा था, सिंह राशि में अच्छा था, तुला राशि में अच्छा था और ये चौथी राशि धनु, तो धनु का सबसे अच्छा कहिए मैं बल्कि यहाँ लिख देता हूँ वेरी वेरी गुड, ये जो है वेरी वेरी गुड बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि धनु राशि के लिए बहुत ही जबरदस्त सारा ग्रह गोचर यानी बुध की स्थिति, बुध के साथ शुक्र मंगल की स्थिति भाग्य वर्धन कर रही है, भाग्य वर्धन कर रही है तो नौकरी में तरक्की हो रही है, नौकरी में तरक्की हो रही है, पैसा मिल रहा है, कार्यस्थल में सम्मान मिल रहा है, बॉस खुश रहेंगे, साथी लोग खुश रहेंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा और देखिए यहाँ पर तीसरे भाव में परिश्रम पराक्रम के भाव में दृष्टि पड़ती है, तीन तीन दिनों की तो बहुत मेहनत करेंगे, यात्रा करेंगे उनसे लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, जितना परिश्रम करोगे शनि खुश होंगे उतने लाभ मिलेगा।
तो धनु राशि को तो बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन प्रेम प्रसन्न यहाँ बृहस्पति की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ देखिए बृहस्पति भी है, तो आपको देखिए प्रेम संबंध भी अगर है कोई बुद्ध चातुर्य का, बुद्ध और बृहस्पति है दिमाग का, बुद्धि का, वाणी का प्रयोग करके आप बुद्ध जो है संचार के इंचार्ज, बुद्ध वाणी के इंचार्ज, बुद्ध व्यापार के इंचार्ज, तो इन सब में बुद्ध इंचार्ज और बहुत बढ़िया भाग्य वहां बैठे हुए हैं भाई। तो धनु राशि वालों बहुत जबरदस्त योग है, बुद्ध की राशियां बहुत जबरदस्त बैठी हुई हैं, बुद्ध खुद अच्छे बैठे हुए हैं, तो बल्ले बल्ले हो रही है, धन कमाओ, ऐश करो, ऐश करो, बहुत जबरदस्त। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, नमस्कार।